केएल राहुल प्लेइंग 11 से बाहर, हार्दिक पांड्या पड़े केएल पर भारी। रेस में अब हार्दिक पांड्या केएल राहुल से कहीं आगे हैं। हार्दिक पांड्या श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टी20 सीरीज में टीम के कप्तान होंगे, जबकि वनडे सीरीज में रोहित शर्मा की डिप्टी होंगे। केएल राहुल टी20 से बाहर हैं और वनडे में विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर चुने गए हैं। स्टार स्पोर्ट्स पर संजय कुमार ने कहा, ईशान किशन को शीर्ष क्रम में जिस तरह की सफलता मिली है उसे देखते हुए केएल राहुल को अंतिम एकादश में जगह बनाने के लिए संघर्ष करना होगा और इसलिए मुझे लगता है कि केएल राहुल फिलहाल 50 ओवर क्रिकेट में अंतिम एकादश का हिस्सा ही नहीं हो सकते हैं। पूर्व बैटिंग कोच ने कहा कि गुजरात टाइटंस के लिए खिताब जीतने के बाद उन्होंने कप्तान के तौर पर अलग पहचान बनाई है। जहां तक कप्तानी की बात है तो हार्दिक पांड्या का कैरियोग्राफी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को आईपीएल चैंपियनशिप तक पहुंचाया है वह शानदार था। भारतीय टीम मैनेजमेंट अब केएल राहुल को वनडे वर्ल्ड कप के लिए मिडिल ऑर्डर बैटर और विकेट कीपर के रूप में देख रहा है। केएल राहुल को संभावित रूप से श्रेयस अय्यर और सूर्यकुमार यादव से टक्कर मिलेगी, क्योंकि शिखर धवन टीम से बाहर है तो विकेट कीपर के रूप में ईशान किशन भी खेल सकते हैं। यही कारण है कि केएल राहुल के लिए वनडे टीम में प्लेइंग 11 में जगह बनाना मुश्किल होगा और फिलहाल के लिए उनके स्थान पर खतरा है, क्योंकि श्रेयस और सूर्य फॉर्म में है, जबकि केएल राहुल के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं।